उन दिनों कभी आपको ऐसे लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है? आपने अपने आप को कैसे सैनिटी लेवल पर रखा? कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, यू नो? तो फ्रस्ट्रेशन इज ऑलवेज, आप एक पैमाना है फ्रस्ट्रेशन स्प्रिंग एकदम, बोर्ड, स्प्रिंग हाँ बोर्ड. जी, जब तक आपको नहीं होगा ना तो आपसे वो अपना नहीं, बेस्ट नहीं दे पाएंगे. जी हाँ। तो फ्रस्ट्रेशन मुझे अभी भी होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि मेरे लिए होता है, मुझे दूसरों के लिए भी होता है कि यार वो इतना अच्छा है, अरे वो तो ये, अरे उसको क्यों। तो कोई कोई चीज़ें हमें फ्रस्ट्रेट कर देती है, यू नो, खुद के लिए फ्रस्ट्रेशन होना दैट इज़ नॉट अ फ्रस्ट्रेशन, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो दिल को छू जाती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। सो वो मेरे नेचर में है, और वो फ्रस्ट्रेशन मैं ठीक से निकाल नहीं पाता हूँ, और वो हो जाता है कि मैं नॉट फॉर मी, नॉट अपने लिए नहीं, किसी और के लिए भी मैं किसी और पे फ्रस्ट्रेशन निकाल देता हूँ। किसी और के साथ कुछ हो रहा है तो किसी और को कुछ बोल दिया, एंड आई एम पेइंग द प्राइस फॉर दैट, आई हैव पेड अ लॉट। सो कभी कभी होता, कभी कभी मुझे, अच्छा म्यूजिक को लेके कोई फ्रस्ट्रेशन मुझे नहीं होता, सिंगिंग को लेके और करियर को लेके फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन होता जब सुनता हूँ गंदे लोगों को गाते हुए, या एक होता अयोग्य, अनेबल या अनक्वालिफाइड, वो भी नहीं, मतलब गंदे से गंदा, जिसको आप कुछ कह नहीं सकते, वो भी इस आर्ट जैसी जगह में वो आ गए। आपके गानों के, आपकी गायकी के हम इतने फैंस हैं यार, अनगिनत फैंस हैं. हु इजंट अ फैन, यू नो? तो हम कैसे ये गाने बने, वो प्रोसेस, या आपने कुछ खास अलग किया इस गाने में, या उस गाने की हिस्ट्री अगर सारांश में बताएं तो. सबसे पहले शहर की लड़की जी हाँ। फ्रॉम रक्षक. ये यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर की चली नहीं, अच्छा. यहाँ पे सिंगर की नहीं चली, हाँ. यहाँ पे चला तो सिर्फ डायरेक्टर का, डायरेक्टर अशोक होंडा, जी लड़की, शहर की लड़की, जी वो गाना, मतलब पता नहीं पिक्चर कितनी चली नहीं चली, लेकिन दिस सॉन्ग बिकेम अ ह्यूज हिट. ह्यूज हिट एंड एक ट्रेंड सेटिंग बन गया। बिल्कुल. और इसी गाने के बाद से देखेंगे आप, एक सिंगिंग का एक नया ट्रेंड आ गया, जबकि मैंने इसमें सिंगिंग कम और वो ज्यादा गिमिक ज्यादा किया था। तो मुझे क्या मालूम था कि मेरा जो खराब पार्ट है वही लोग अब कॉपी करने लगे, क्योंकि अच्छा वाला कर ही नहीं रहे। तो मैं रिहर्सल कर रहा था, तो फिर करते तो उन्होंने बोला कि चलो एक फाइनल रिहर्सल करते हैं, और मैंने फाइनल रिहर्सल गाया सनी स्टूडियो में, आनंद मिलिंद गाना शुरू हुआ, और मैं रिहर्सल में थोड़ा आदमी कॉशस हो जाता है, वो टेक में, फाइनल टेक में इसको ऐस ये वो, और उसमें मैं कभी कभी देखेंगे एक फेड इन फेड आउट हो रहा, जो मैं कर रहा था एज अ एक्सपेरिमेंट, कि कहीं सांस आ रही है तो उस सांस को जानबूझ के प्रोमिनेंट करूं, तो ये लोग बोले कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कट कर देंगे। तो मैंने जानबूझ के सांस को ना सिंगिंग का एक पार्ट बना दिया, नींद चुरा के पूछे हाय हा वयू, हाय हा वयू, हाय हा वयू, उसके बाद जो मुझे हाय हा वयू करके, और उसके बाद क्या मैं चिल्ला पड़ा, साइल पे उसकी, स्माइल पे उसकी, देख तबीयत बड़की शहर की लड़की, ये सांस लेने का एक तरीका था, और एंड हो गया। आपकी फेवरेट फीमेल को सिंगर कौन है या कौन थी? थी में में तो कोई भी नहीं है, सब लोग जिंदा है, अलका है मैं स्टिल आई थिंक अलका याग्निक। किस एक्टर के लिए प्लेबैक करके ज्यादा मजा आता था आपको, सबसे ज्यादा? ऑब्वियसली शाहरुख खान,